College Bhandara, Department of English welcomes you all in this digital classroom. Today we are going to discuss about how to use if, not, unless. Apparently this exercise is very easy. Apparently it appears that there is nothing to learn about. But let us now talk about if, not, and unless in a detailed way. When we discuss something in a detailed way, it does not mean that we want to create confusion. But we are trying to prepare ourselves for all types of examinations and all types of examinations. आज हम if not के स्थान पर unless का use कैसे करते हैं उस important topic पर बात करने वाले हैं. If hello students, जयम पटेल कॉलेज भंडारा department of English welcomes you all in this digital classroom. Today we are going to discuss about how to use if, not, unless. Apparently this exercise is very easy. Apparently it appears that there is nothing to learn about. But let us now talk about if, not, and unless in a detailed way. When we discuss something in a detailed way, it does not mean that we want to create confusion. But we are trying to prepare ourselves for all types of examinations and all types of exams. Aaj hum if not के स्थान पर unless का यूज कैसे करते हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं. इफ का अलग यूज होता है, इफ नॉट नेगेटिव सेंस में आता है और unless उसके पर्याय के रूप में, ऑप्शन के रूप में आते हैं. इफ इज अ कंडीशनल कंजंक्शन. इफ का इस्तेमाल कंडीशन को, शर्त को दिखाने के लिए किया जाता है. और इफ और unless आर यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. और इफ और unless का यूज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में करते हैं. माने हम जब इफ नॉट अनलेस की बात कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम हम सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की भी बात कर रहे हैं, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने वाले हैं. इफ और अनलेस दीज आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, हमने जब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात की थी तो हमने इस बात को डिस्कस किया था, पर आपको रिमाइंड करा देते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे जोड़ शब्द है कनेक्टर्स से, जॉइनिंग वर्ड से, जिन्हें हम कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज करते हैं. और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे वर्ड है जो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज करते हैं. तो उस लिहाज से, उस हिसाब से इफ और अनलेस ये दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और जहां कहीं भी ये दिखेंगे आप समझ जाना कि वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस है. अनलेस का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, इसे इसलिए उसे नेगेटिव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, जहां पर इफ नॉट का यूज कैसे करना है और इफ का पर्पस क्या है यूज करते समय, सेंटेंसेस में किस मीनिंग से वो आते हैं वो भी हमें समझना जरूरी है. इफ इज यूज टू शो कंडीशन, शर्त को दिखाने के लिए इफ ये शब्द आता है. Sometimes it shows clause, कुछ conditions बताते हैं, कुछ provisions रहते हैं, कुछ suppositions रहते हैं, या कभी कभी probability को दिखाने के लिए if not unless का use किया जाता है. अब if not और unless ये दोनों एक दूसरे को पर्याय के रूप में, एक दूसरे को replacement के रूप में use किए जाते हैं. एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी if not unless की बात होगी तो subordinate clause और main clause की भी बात होगी. और इफ नॉट या अनलेस का आप जब भी यूज करेंगे तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ही इफ नॉट अनलेस का यूज करना है, कॉमा देकर आपको मेन क्लॉज लिखना है. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां दो सेंटेंस आपके सामने है. यू वर्क हार्ड एक क्रिया है और यू विल सक्सीड ये दूसरी क्रिया है. दिए गए दो क्रियाओं में से जो क्रिया पहले आती है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. उस हिसाब से इफ यू वर्क हार्ड ये हो गया हमारे लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज. इस क्रिया का परिणाम क्या है, यू विल सक्सीड तुम कामयाब हो जाओगे, ये पहली क्रिया का परिणाम दर्शाने के लिए जो दूसरा सेंटेंस आता है
उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। हमने इसके पहले आपको बताया था कि जो सबॉर्डिनेट क्लॉज रहता है उसके पहले आपको इफ या इफ नॉट का प्रयोग करना है और कॉमा देकर मेन क्लॉज एज इट इज ही लिखना है। जैसे अब ये सेंटेंस कैसा होगा, इफ यू वर्क हार्ड, हमने सबॉर्डिनेट क्लॉज को इफ लगाया और कॉमा देकर दूसरा सेंटेंस लिखा, यू विल सक्सीड। अब इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलिए या फिर यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड ऐसा लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ द टाइप इन द एग्जामिनेशन। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात ऐसे है कि ये हो गया इफ का यूज करना। इफ नॉट का यूज कहां पर होता है वो भी समझ लीजिए। इफ के साथ नॉट लगा हुआ है तो ये अनलेस को रिप्लेस करेगा या इफ नॉट के स्थान पर अनलेस आएगा। इफ के पहले सेंटेंस में भी नॉट होना चाहिए तो दूसरे सेंटेंस में भी नॉट या नेगेटिव सेंस आता है। इफ यू डू नॉट वर्क, सेंटेंस कैसे आएंगे देखिए, दो अलग अलग सेंटेंसेस आ सकते हैं। यू डू नॉट वर्क हार्ड एक सेंटेंस हो गया, यू विल नॉट सक्सीड ये दूसरा सेंटेंस हो गया। शर्त क्या है, अगर तुम मेहनत नहीं करते तो तुम कामयाब नहीं होंगे। इफ के पहले सेंटेंस में नहीं है तो दूसरे सेंटेंस में भी नॉट या नेगेटिव सेंस कायम रहना चाहिए। तो अब इफ नॉट का यूज कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, हमने सबॉर्डिनेट क्लॉज में इफ नॉट का प्रयोग किया, और जब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट ये नेगेटिव वर्ड हम लेंगे तो सबॉर्डिनेट क्लॉज के टेंस के अनुसार हमें डू नॉट, डज नॉट, डिड लेने पड़ते हैं। इसलिए हमने सेंटेंस क्या किया, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा यू विल नॉट सक्सीड। पहले सेंटेंस में भी नॉट है, दूसरे सेंटेंस में भी नॉट है, और हमने पहले ही कहा था या तो सबॉर्डिनेट क्लॉज पहले बोलिए या फिर मेन क्लॉज पहले लिखिए, दोनों सूरत में ये सेंटेंस सही है। अगर आपने यू विल नॉट सक्सीड इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड ऐसा लिखा तो भी सेंटेंस सही है। इस प्रकार से आपको इफ नॉट का प्रयोग करना है दोनों सेंटेंसेस में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब सेंटेंस में आपको इफ नॉट का यूज दिया जाता है तो इफ नॉट के स्थान पर आपको अनलेस का प्रयोग करना होता है। कैसे करते हैं, रिमूव इफ नॉट, दिए गए सेंटेंस से इफ और नॉट दोनों हटाना है और उसके स्थान पर अनलेस लगाना है और कॉमा देकर जो दूसरा मेन क्लॉज रहता है उसको आपको एज इट इज ही लिखना है। कीप मेन क्लॉज एज इट इज, कीप मेन क्लॉज नेगेटिव और कीप नेगेटिव सेंस एज इट इज इन द मेन क्लॉज। आपको दोनों तीनों चीजें एट अ टाइम करनी होती है। इफ नॉट को हटाइए, अनलेस लगाइए, कॉमा देकर मेन क्लॉज लिखिए। मेन क्लॉज या तो नेगेटिव वाक्य होना चाहिए या फिर उसमें नेगेटिव सेंस होना चाहिए। हम जो सेंटेंस इफ नॉट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब उसमें अनलेस का यूज कैसे होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, हमने इफ नॉट को हटाया उसके स्थान पर अनलेस लगाया। और जैसे नॉट हट जाता है तो डू, डज, डिड भी अपने आप गायब हो जाते हैं। तो अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा देकर दूसरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है, यू विल नॉट सक्सीड। अब यू विल नॉट सक्सीड ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आप यू विल नॉट सक्सीड नहीं लिखना चाहते हैं तो उसके स्थान पर यू विल फेल ऐसे नेगेटिव सेंस वाला वाक्य भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका सेंटेंस अनलेस का हो जाता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ऐसा बोलिए, नहीं तो फिर अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इस प्रकार से दोनों प्रकार से सेंटेंस सही हो जाता है। अब यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, इस प्रकार से भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं। कुछ रूल्स है जो हमें इफ नॉट अनलेस को सॉल्व करते समय ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ टेंस का भी संबंध आता है, क्योंकि बिना टेंस के बारे में सोचे आप इफ नॉट अनलेस की चर्चा नहीं कर सकते। जैसे पहला रूल क्या कहता है, इफ का पहला क्लॉज अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उस पर आधारित जो कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे उसमें शैल विल प्लस वीवन या सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसी सिंपल रचना होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड पहले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कॉमा देकर हमने मेन क्लॉज लिखा, यू विल सक्सीड। तो वर्क इधर प्रेजेंट टेंस है, मेन क्लॉज में विल सक्सीड ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। ये पहला रूल है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ और रूल्स की भी बात कर लेते हैं। हर जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जरूरी नहीं है, हो सकता है ये सेंटेंस दूसरे किसी अलग तरीके से भी आए।
हमने जब कहा आपको कि पहले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे सेंटेंस में आपको सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना है, पर कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां संभावना है आपको समझ में आती है, पॉसिबिलिटी आपको समझ में आती है, तो ये सेंटेंस आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे इफ के पहले सेंटेंस में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उस पर आधारित दूसरा जो मेन क्लॉज है उसमें कैन प्लस वीवन ऐसी भी रचना आप कर सकते हैं। सेंटेंस कैसा होगा फिर, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू कैन सक्सीड, इस प्रकार से भी आप पहले नियम को कायम कर सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे जैसे टेंस बदलेंगे इफ नॉट अनलेस के अलग अलग हालत में सूरत भी बदलती जाएगी, इसलिए आपको हर सूरत में सेंटेंस समझ में आना चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है, इफ के पहले सेंटेंस में अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो उस पर आधारित दूसरे वाक्य में माने मेन क्लॉज में आपको वुड प्लस वी वन ऐसी रचना करनी पड़ती है। सेंटेंस कैसे होगा, इफ यू वर्क्ड हार्ड, हमने पास्ट टेंस किया है वर्क्ड ईडी लगाकर, दूसरे सेंटेंस में यू वुड सक्सीड, इस प्रकार से आपको वुड प्लस वी वन ऐसी रचना करनी पड़ती है। माने सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है तो वुड प्लस वी वन ऐसी रचना आपको करनी पड़ेगी। तीसरा एक इंपॉर्टेंट रूल है, अगर इफ के पहले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उस पर आधारित दूसरे वाक्य में माने मेन क्लॉज में हमें वुड हैव प्लस वी थ्री, वी थ्री माने वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इस प्रकार से रचना की जाती। अब यह रचना होती कहां पर है, जहां पर हमें लगता है कि जो भी कंडीशन है, शर्त है, वो कंप्लीट होने के परे है, इम्पॉसिबल टू कंप्लीट है या कंप्लीट हो ही नहीं सकती शर्त, ऐसे सूरत में, ऐसे हालात में हम वुड हैव प्लस वी थ्री इस प्रकार की रचना करते हैं। सेंटेंस कैसे होगा, इफ यू हैड वर्क्ड हार्ड, कॉमा देना है, मेन क्लॉज लिखना है यू वुड हैव सक्सीडेड, इस प्रकार से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ डील करना है। एक रूल इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली इस प्रकार के एग्जाम्पल्स नहीं आते, पर जब हम इफ नॉट अनलेस की बात कर ही रहे हैं तो हमें इस रूल के बारे में भी पता होना चाहिए। कभी कभी इफ नॉट के पहले सेंटेंस में या इफ के पहले सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आता है। अगर पहले सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो कॉमा देकर हम जो दूसरा मेन क्लॉज लिखते हैं वहां पर मस्ट प्लस वी वन इस प्रकार की रचना करनी पड़ती है। जैसे इफ ही इज टॉकिंग ऑफ लिविंग, अगर वो छोड़कर जाने की बात कर रहा है, कॉमा ही मस्ट बी अनहैप्पी, तो यहां पर हमने बिल्कुल सेंटेंस के सेंस के अनुसार मस्ट प्लस वी वन ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। कुछ एग्जांपल्स है आपके लिए जिनको आपने ट्राई करना है, यू ट्राई दिस ऑल एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन रूल्स, जिन रूल्स की हमने बात की, डिस्कस किया, उन सारे रूल्स को ध्यान में रखकर आप इन सेंटेंसेस को डिस्कस कीजिए। पहला सेंटेंस है इफ यू स्टडी हार्ड ही विल पास, दूसरा सेंटेंस है इफ यू डोंट अर्न स्टॉप स्पेंडिंग, अनलेस यू गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड इट इज नॉट सेफ, इफ यू आर गिल्टी यू विल बी पनिश्ड, इफ यू डिलीवर पिज्जा ऑन टाइम यू विल गेट रिवार्ड, इफ शी इज डोसिंग शी मस्ट बी सिक, इफ योर नेशन हैज टू प्रॉस्पर ईच पर्सन शुड वर्क, इस प्रकार के ये अलग अलग सेंटेंसेस है। हर सेंटेंस में अपनी अलग अलग प्रकार की सूरत है, अलग अलग प्रकार की सीरत है, आपने पूरे सेंटेंसेस को बारीकी से देखना है और उनको रूल के अनुसार, इफ अगर दिखता है तो इफ के स्थान पर इफ नॉट लगाइए, इफ नॉट अगर दिखता है तो इफ नॉट को हटाकर अनलेस लगाइए, अनलेस अगर दिखता है तो उसको हटाकर इफ नॉट वाइस वर्सा आपको यूज करना है। आई थिंक दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन द एग्जामिनेशन। And this lecture is also available on YouTube. Follow me on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansal. Thank you very much.